हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपका स्वागत करना चाहता हूँ अपने चैनल पे, एंड आप मेरे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो मार्केट में है वो मार्केट में क्या चल रहा है। एंड फ्रेंड्स, हम उसको सीख सकते हैं बहुत ही फ्री। एक फ्री चार्ट अवेलेबल होता है अपने पास, उसके थ्रू अगर आपके पास लेट से कि कोई ब्रोकर का अकाउंट नहीं है बट आप फिर भी सीखना चाहते हैं मार्केट के बारे में, मार्केट कैसे चलता है, तो आप उसको ईजिली सीख सकते हैं। वो हमारे पास ईजिली सीख सकते हैं। उसके लिए आपको सीधा investing.com डाल देना है। इस पर अगर निफ्टी डाल दीजिएगा तो ये सीधे ये वाली साइट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग डालेंगे investing.com, तो उस पर थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने इस पर क्लिक मारा तो मेरे पास ये जो है नेक्स्ट ऑप्शन खुल गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करूँगा। टेक्निकल चार्ट पे मैंने क्लिक करा, ये मेरा टेक्निकल चार्ट लोड हो रहा है। ये देखिए, ये मेरा टेक्निकल चार्ट लोड हो गया। उसके बाद क्या है, आपको ये थोड़ी सी सेटिंग करनी है कि ये कैंडल स्टिक में देखना है, क्योंकि कैंडल स्टिक में ही बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट होता है और बेटर क्लैरिटी मालूम चलता है मार्केट में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का सबसे पहले डेट दिखा दूँ आपसे, मैं बात जो कर रहा हूँ वो 28 अप्रैल 2023 है आज। ठीक है, मार्केट में कुछ दिनों से फ्रेंड्स यहाँ पे बॉटम हुआ था 28 मार्च के करीब, और ये पूरा इस महीने से जब से शुरू हुआ है मार्केट ने दौड़ना शुरू कर दिया है और ये दौड़ ही रहा है अभी तक। बट फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए कि मार्केट में अनिश्चितताओं का खेल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि श्योरिटी नहीं होता है कि अब ये मार्केट यहाँ से हमेशा भूल जाएगा, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी में जानते हैं और जो अभी मार्केट में जो चल रहा होता है उसी को ही फॉलो करते हैं। तो अभी जो मार्केट में चल रहा है वो साफ साफ आप देख सकते हैं कि मार्केट में वो रुकावट नहीं है, मार्केट नीचे जा नहीं रहा, ऊपर जा रहा है। तो मार्केट में जो दिख रहा है हम वही देखते हैं, हम अपनी तरफ से कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे से यहाँ से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात है, अभी अगर मार्केट में ऊपर बुलिश जा रहा है तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू या हमारा जो नज़रिया होना चाहिए मार्केट को देखने का, वो मार्केट में जो दिखा रहा है मार्केट वही हमें देखना चाहिए। मार्केट में ये देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ से ये बॉटम बनाई थी, फिर बॉटम बनाने के बाद इसने एक हाई मारी, फिर अब यहाँ पे जा करके जैसे थोड़ी सी करेक्शन हुई, फिर ये ऊपर जाने लगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखा दूँ कि अगर ये मार्केट को थोड़ा नीचे जाना था तो मार्केट ये गई नहीं। क्यों नहीं गई, इस मार्केट ने ये जो है ये टेक्निकल होती है, जो ये टेक्निकलिटी है, जो ये अपने हायर हाई को ये इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर इसके नीचे रहता तो क्या होता है कि ओवर द लॉन्ग टर्म भी ये नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ऐसी टेक्निकल एनालिसिस होती है, बट तो जिसको ऑलरेडी वो तोड़ चुका है और ये ऊपर जा रही है मार्केट। ठीक है, तो इट मीन्स मार्केट बुलिश इन कंडीशन में हो चुका है। अब देखो, अगर आप सेम चीज़ को अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाऊँ, पहले जो कैंडल स्टिक दिख रहा था आपको वो दिख रहा था 1 डे की 1 डे में, अब ये है 1 ही घंटे की ये कैंडल स्टिक है। ये साफ देख सकते हैं क्या बुलिश रन ये दिखा रही है, क्या अच्छी रन यहाँ से मार्केट भाग रही है। ठीक है, ये निफ्टी 50 की। ठीक, अब मैं इसके अलावा और भी कुछ आप चीज़ें पे आपको ध्यान लाना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, ये आपको मान लीजिए कि इसमें आप मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले सकते हैं। 1 सेकंड प्लीज, मैं EMA डाल देता हूँ। EMA ट्रिपल करके अगर इसमें आ रहा हो तो ठीक है, इसमें EMA ट्रिपल नहीं है। 1 सेकंड, ये मेरा कैंडल स्टिक चेंज क्यों हो गया बाबा, और इसको मैं कर देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं तो इसका 200। ये फ्रेंड ओवर द, देखिए ये मेरा है, ये 2 लाइन है, एक लाइन है मेरा एक है मेरा, ये कौन सा है कलर वाला, मैं का थोड़ा कंफ्यूज हो रहा। 1 सेकेंड, कलर कौन सा है यार, शॉर्ट का कलर रेड है एंड लॉन्ग का कलर ग्रीन है। ठीक है, तो दिस इज माई 200 मूविंग एवरेज कैंडल एंड दिस इज माई 50 मूविंग एवरेज कैंडल स्टिक। ठीक है, तो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू दिस मूविंग एवरेज, आप इसे क्या समझ सकते हैं कि ये जो मार्केट है ये बुलिश रन में है। डेफिनेटली जब तक ये इसके ऊपर रहेगा इस पर बुलिश रन रहने की संभावना है। ये सेम चीज़ आप ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर जितना ऊपर हो तो वो बेटर होता है। अब लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी देखोगे कि ये जो ग्रीन के ऊपर रहना है तो ये मार्केट है जो ऊपर ही रहता है जब तक ये ग्रीन के ऊपर रहता है। और एक चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है कि फ्रेंड्स, ये मार्केट में अच्छी बुलिश रन आ चुकी है एंड यस, तो मार्केट में अभी गुड अपॉर्चुनिटी है निवेश करने के लिए एंड अच्छी रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी इसमें निवेश थे। फ्रेंड्स, आपको हमेशा ना ये देखना चाहिए कि आपको अब मार्केट की टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल है, बट मार्केट में जब भी आपको करेक्शन दिख रहा है 10-20%, तो समथिंग आप उसको इंडेक्स फंड में डाल सकते हो। एंड वन थिंग,
आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं ये अपने आई एम शेयरिंग माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विथ यू, एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस मार्केट, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें निवेश करने के लिए, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए पहले लंबा होना चाहिए एंड खुद का होना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिसर्च करके बता रहे हैं आप उसके साथ जा रहे हैं, नहीं, वो उसके क्या होगा कि वो ओवर द लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम में आप कैसे कोई आपको हमेशा तो अवेलेबल नहीं रहेगा सपोर्ट करने के लिए। सो यू शुड लर्न हाउ मार्केट वर्क सो दैट यू कैन टेक बेनिफिट, यू कैन गेट मच मोर बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट। सो आई होप आपने इस मेरी छोटे सी एफर्ट से कुछ सीखी होगी एंड सीखी होगी, तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड मैं इसी तरीके से सो दैट कि आगे भी कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ।